अच्छा पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, उसमें देखते हैं डेफिनेशन. ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू एट ग्रुप्स. ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू एट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ब दे टू इन अ सेंटेंस. यानी कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं, अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं उसको काट और उसका प्रयोग उसके हिसाब से जो है ना आठ भागों में बांटा गया. कितने भागों में बांटा गया है? आठ भागों. ये जो दे रहा है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर, जितने भी इंग्लिश शब्द हैं जितने भी अंग्रेजी शब्द हैं डिवाइडेड इनटू एट ग्रुप्स, जो कि आठ भागों में बांटा गया है. ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ब, यानी किस हिसाब से उसके काम करने के हिसाब से दे टू इंग्लिश जो होते हैं सेंटेंस उसे करना है. सेंटेंस में किस वर्ड का क्या काम करना है उसके हिसाब से उसको आठ भागों में बांटा गया है. इच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच. उसी सारे ग्रुप को हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं. उसी सारे आठों ग्रुप को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है. ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू एट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ब दे डू इन अ सेंटेंस. जितने भी अंग्रेजी में शब्द हैं उसको कार्य के हिसाब से जनरेट किए सेंटेंस में क्या काम करना है उसके हिसाब से आठ भाग में बांटा गया है. और उसी आठ भाग को इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ, और उसी आठ भाग को हम यानी कि प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है. प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है. और उसी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पहला नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंट्रोजंक्शन. अब जो है नाउन, नाउन को हिंदी में कहते हैं हम लोग संज्ञा. क्या कहा जाता है नाउन को हिंदी में? संज्ञा. प्रोनाउन को कहा जाता है सर्वनाम. एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण. वर्ब को कहते हैं क्रिया. एडवर्ब को कहा जाता है क्रिया विशेषण. प्रीपोजिशन को कहा जाता है संबोधक. और कंजंक्शन को कहा जाता है समुच्च बोधक. और इंटरजेक्शन को कहा जाता है विस्मयादिक बोधक. विस्मयादिक बोधक. तो फिर से एक बार पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी नाम होता है शब्द. क्या नाम होता है? शब्द. अब जो यहाँ पे लिखा है इसका डेफिनेशन परिभाषा जो होता है. ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू एट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ब दे डू इन अ सेंटेंस. अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उसको वो सेंटेंस में के वाक्य में उसको क्या काम करना है, वाक्य में उसको क्या काम करना है उसके हिसाब से उसे आठ भागों में बांटा गया. कितने भागों में बांटा गया है? आठ भागों में बांटा गया. और उसी आठ भाग में प्रत्येक भाग को किस ग्रुप प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है. प्रत्येक भाग क्या कहा जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच. और वही बात है यहाँ पे जो है इसने कार्ड दिया हुआ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. यही हमारा है पार्ट.